फॉर जेई मेन स्लैश जेई एडवांस बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि भैया हम किस तरीके से पढ़ाई करें दिन को कैसे डिवाइड करे हम कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़े और ये काफी बच्चे सोचते हैं ड्यूरिंग प्रेपरेशन की क्या वो जिस तरीके से पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं सो टूडे आई एल बी शेयरिंग वो टाइम टेबल जो मैंने फॉलो किया था ये एक टाइम टेबल है उस दिन का टेकिंग इन टू कि की उस दिन कोई कोचिंग नहीं है स्लैश स्कूल नहीं है आगे मैं और भी डिटेल में बाकी चीजों के बारे में बात करूंगा पहले हम इस टाइम टेबल की तरफ पढ़ते हैं सो लेट्स बिगिन विद द टाइम टेबल सो so, ऐसे दिन की शुरुआत होती थी 5 ए एम पे 5 ए एम आई यूज टू गेट अप फ्रॉम बेड इनर रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर समर्स हो विंटर्स हो कैसा भी मन करता हो आपको 5 ए एम उठने का टारगेट मैंने रखता ही था और वो 5 ए एम उठता ही था बहुत बार मुश्किल होता था विंटर्स में खास करके जब ठंडियाँ होती हैं रजाई में मन करता है बाहर ही ना हो उस टाइम पे थोड़ा टॉर्चरस होता था लेकिन आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें तो करनी ही पड़ती हैं अगर आप कोई बड़ी चीज पर टारगेट कर रहे हैं तो सो फाइव एम यूज टू बी द टाइम टू गेट अप फिर फाइव थर्टी से सिक्स थर्टी केमिस्ट्री uh, में ऐसे कई टॉपिक्स होते हैं जिनको याद करना होता है रिवाइज करना होता है रटना होता है uh, जैसे कि केमिस्ट्री के कोई नोट्स कर लो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोई नोट्स कर लो या फिर और भी कोई जितनी भी रटने वाली चीज़ें होती हैं सुबह वो सबसे ज़्यादा मुझे ऑब्जॉर्ब होती थी इसीलिए मैंने फाइव टू सिक्स रखता था, था क्रैमिंग रिविजन के लिए Uh, जो केमिस्ट्री में होते थे सब्जेक्ट्स में सो दैट वाज फ्रॉम 5:30 टू 6:30 फिर 6:30 टू 7:30 आई यूज्ड टू गेट अप بيد हैव ब्रेकफास्ट मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेता था थोड़ी देर 20 30 मिनट, और नॉर्मली मतलब 7:30 अप एंड रनिंग कर लेते थे हम अपने आप को ताकि प्रॉपर स्टडी शेड्यूल चालू हो पाए इसके बाद 7:30 टू 10:30 स्लॉट 1 ऑफ 3 आवर्स Uh, मैं जनरली थ्री आवर्स के स्लॉट्स में पढ़ता था क्योंकि आपको अपने ब्रेन को एक्रीमेटाइज करना होता है कि वो तीन घंटे आठ स्ट्रेच एकदम फोकस्ड रहे क्योंकि आपके सारे टेस्ट जो होते हैं वो मेजोरिटी ऑफ देम तीन घंटे के होते हैं और तीन घंटे तक अपने ब्रेन को एक फ्लो में काम करवाते रहना इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर वो जेई मेन्स एडवांस सो बहुत एसेंशियल होता है कि आप फुल एफिशिएंसी पे वो तीन घंटे काम करें इसलिए मैं अपने मोस्टली स्लॉट्स तीन तीन घंटे के रखता था तो सेवन थर्टी टू टेन थर्टी हो जाता था थ्री अवर्स स्लॉट वन इसमें मैं जनरली कोई भी पेंडिंग काम होता था कोचिंग का होमवर्क होता था और अगर ये सब नहीं होता था तो फिर आई यूज टू डू मैथ्स प्रैक्टिस क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे मैथ्स ज्यादा अच्छे से आती है क्योंकि आपका ब्रेन फ्रेश होता है प्रैक्टिस करने के लिए और इस टाइम पे जनरली आपके ब्रेन काफी एक्टिव होता है मैथमेटिकल uh, सेंस में भी तो आप आराम से मैथ्स इस टाइम पे प्रैक्टिस कर सकते हैं uh, इसके बाद 10:30 थर्टी टू वन uh, बिना ब्रेक के एक स्लॉट टू रखता था क्योंकि मेरे को पता था कि छह uh, घंटे का पेपर होता है तो फिर मतलब uh, एक्चुअली फर्स्ट स्लॉट के बाद आप थोड़ा पांच मिनट इधर उधर उठ जाइए पानी वानी पी लीजिए वॉशरूम चले जाइए उसके बाद फिर मोटा मोटा टेन थर्टी टू वन थर्टी सेकेंड स्लॉट अपना स्टार्ट कीजिए इस स्लॉट में आप सब्जेक्ट चेंज कीजिए प्रैक्टिस कीजिए उस सब्जेक्ट में फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स किया तब सो फिर आप फिजिक्स पे आ जाइए जनरली मैं क्या करता था सेकेंड नंबर पर फिजिक्स ही रखता था क्योंकि uh, ज़्यादा मतलब सेकंड नंबर पे वो आपकी कंसंट्रेशन मांगता है फिजिक्स तो फिजिक्स को आप नंबर टू पे रख सकते हैं ये मुझे भी बेनिफिशियल रहा था और मैं भी ऐसे ही करता था इसके बाद 1:30 थर्टी टू टू थर्टी उठिए छह घंटे अब आप पढ़ चुके हैं अच्छे से आप पढ़े हैं सो यू डिजर्व दैट वन आवर ब्रेक 1:30 थर्टी टू टू थर्टी में लंच करता था लंच के साथ में टेलीविजन देखता था आप भी कोई कुछ भी टेलीविजन देख लीजिए कोई बुक पढ़ लीजिए आपको मन करता है म्यूजिक सुन लीजिए जो कुछ भी अच्छा लगता है आपको आप उस वन आवर में कर सकते हैं उसके बाद टू हम वापस टू टू फाइव थर्टी एक थ्री आवर प्रैक्टिस लॉट चालू करेंगे इस थ्री आयर प्रैक्टिस स्लॉट में जनरली मैं क्या करता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रखता था फर्स्ट हाफ में वन मतलब मान लीजिए टू थर्टी से थ्री ओ आ, फोर ओ क्लॉक तक और फिर फोर ओ से फाइव थर्टी में रखता था फिजिकल केमिस्ट्री की प्रैक्टिस तो मोटे मोटे तौर पे जो फर्स्ट हाफ ऑफ दैट थ्री इयर है वो जितने भी हल्के से रटने वाले होते हैं जिसमें ज्यादा प्रैक्टिस नहीं मांगता नॉन फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री बेसिकली फर्स्ट हाफ ऑफ दैट थ्री इयर में रखो और सेकंड हाफ ऑफ दैट थ्री ईयर में जो है तब आप फिजिकल केमिस्ट्री की प्रैक्टिस रखिए या फिर अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने उसकी प्रैक्टिस रखिए क्योंकि केमिस्ट्री प्रैक्टिस के साथ साथ बहुत सारी चीजें याद करना भी मांगती है तो उसके थ्री इय के फर्स्ट हाफ में आपको वो सब याद करने वाला पार्ट रखना चाहिए अपने आप एक दिन में सो so, इसके बाद आता है फाइव थर्टी टू सिक्स यहाँ पे मैं फिर से एक आधे घंटे की ब्रेक लेता था ओकेजनली वॉक पे चले गया जॉग पे चला गया या फैमिली के साथ बैठ गया मॉम के साथ बात कर ली कुछ या आपने कोई फ्रेंड को फोन लगा लिया ऐसी चीजें इस आधे घंटे में हल्का सा और रिफ्रेशन अप करने के लिए इसके बाद सिक्स ओ से एट ओ क्लाक यहाँ पे मैं वो सारे काम करता था दो घंटे का स्लॉट था, था ये ये वो टाइम था बेसिकली कि पूरे दिन में जो भी मैंने तीन दिन घंटे के स्लॉट करे थे उसमें जो टारगेट रखे थे कई बार ऐसा होता है कि तीन घंटे खत्म हो जाते हैं लेकिन कुछ ना एक्सरसाइज छूट गई फॉर एग्जाम्पल मेरे तीन घंटे खत्म हो गए लेकिन मेरी वो सेंगेज की एक एक्सरसाइज चल रही थी आधे में ही छूट गई तो फिर उस दो घंटे में वो वाली उठा के कोशिश करता हूँ कि आठ बजे तक कोई भी ऐसा पेंडिंग काम ना हो मतलब एक एक्सरसाइज की एंडिंग लाइन लग जाए एक्सरसाइज के एंड तक पहुंच जाऊं मैं उस आठ बजे तक इसके बाद आठ से नौ फिर से आप उठिए ब्रेक लीजिए डिनर करिए टीवी देखिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट आपको करने की जरूरत नहीं है कुछ लोग सोचते हैं कि ये बहुत ज्यादा ब्रेक्स हो गई लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूं कि ये ब्रेक्स आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखिए आप हार्डली कितना आप सिर्फ दो से ढाई घंटे या तीन घंटे ब्रेक ले रहे हैं अपने नॉर्मल रूटीन में बाकी टाइम आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जो आठ से नौ होगा वो ब्रेक टीवी डिनर टाइम मेरा होता था इसमें आप फिर से रिफ्रेशन अप हो जाइए क्योंकि रात का आपको कुछ टाइम लगाना है उसके लिए इसके बाद नौ बजे से साढ़े दस बजे ही टाइम में से नौ से दस ही मैं मेनली पढ़ाई करता था इस नौ से दस में मैं कंटिन्यू करता था फिजिक्स के साथ uh, मैं जनरली इसको रखता था टफ बुक्स लॉट क्योंकि क्योंकि मैं जो एडवांस टारगेट कर रहा था इसलिए बुक्स का टफ क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है Uh, मैं क्या करता था फॉर एग्जाम्पल आखिरी के आधे एक घंटे में जो मैं पढ़ता था नाइन टू टेन यहाँ पे मैं इरोडो उठाता था स्लैश पार्ट फाइंडर उठाता था और हर दिन एक घंटा प्रैक्टिस करता था अब आपको पता है कि इन क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है तो मैं क्या करता था कि अगर भले ही मेरे से तीन क्वेश्चन हुए चार क्वेश्चन हो उस एक घंटे में अगर लंबे लंबे क्वेश्चन करो मेरे को फर्क नहीं पड़ता था लेकिन मैं उसको अच्छे से करने का अटेम्प्ट करता था और आपका भी यही टारगेट होना चाहिए तो इस एक घंटे को आप टफ क्वेश्चन के लिए रख सकते हैं दिन में इसके बाद टेन से टेन थर्टी का जो टाइम होता है वो प्राइम इंपॉर्टेंस का होता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं इसीलिए क्योंकि उस टाइम पे आप अगले दिन की प्लानिंग करेंगे अगले दिन की प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप इंश्योर करना चाहते हैं कि आपका अगला दिन भी यूजफुल जाए एफिशिएंट जाए और आपकी प्रेपरेशन अच्छे से हो उस दिन भी तो प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके लिए आप 15 टू 20 मिनट जरूर रखिए अपने दिन के एंड में ताकि अगले दिन जब आप उठे आपको पता हो आपने कैसे करना है क्या करना है Uh, अब कुछ पॉइंट्स पे आते हैं मैं आपको बता रहा हूं आप अपने टाइम टेबल को इस तरीके से बना सकते हैं ये मेरा टाइम टेबल होता था जब मैं जेई में जाता था मैं इसको ऐसे लगा लेता था अपने पिन बोर्ड पे यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा पिन बोर्ड है यहाँ पे मैं अपना टाइम टेबल रोज रात को वही जो टेन टू टेन थर्टी वाला स्लॉट है वहां पे प्लानिंग के टाइम पे पेस्ट कर लेता था और ये अपने स्टडी टेबल के एकदम सामने रखता था ताकि सुबह से उठते ही मेरे को पता हो मेरे को ये 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 करना है इससे क्या होता है आप टाइम वेस्ट नहीं करते बिल्कुल भी आप ऐसे नहीं करते हाँ मेरा हो गया आप क्या करूँ चलो थोड़ा फोन देख लेते हैं चलो थोड़ा लैपटॉप देख लेते हैं चलो थोड़ा कोई इंस्टाग्राम देख लेते हैं फेसबुक देख लेते हैं ऐसी चीजें नहीं आती फिर दिमाग में अगर आपका टाइम टेबल सेट हो अगर आपको पता हो आपने ये ये, ये, ये गोल्स आज खत्म करने हैं सो तो इसके लिए आपकी प्लानिंग टाइम टेबल ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो अभी आपको हर मिनट का हर घंटे का हिसाब हो आपने दिन में कैसे पढ़ना है अब जैसा कि मैंने बोला ये एक नॉर्मल स्कूल डे नहीं था ना ही ये कोचिंग डे था ये उस अजम्प्शन से मैंने आपको टाइम टेबल दिखाया कि ना आपकी स्कूल है ना कोचिंग है अगर आपकी स्कूल और कोचिंग किसी दिन होती है तो आप इस टाइम टेबल का अकॉर्डिंगली एडिट करें स्कूल और कोचिंग का टाइम हटा दीजिए और बचे हुए टाइम को अपने या तो दो सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर लीजिए अगर कम टाइम है या फिर जितना टाइम है उसको एक एक घंटे के या डेढ़ डेढ़ घंटे के तीनों सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर लीजिए आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि आप आउट ऑफ टच ना हो किसी भी दिन हर दिन हर सब्जेक्ट को ऑलमोस्ट आप टच करें उसकी प्रैक्टिस करें आके आज कितना भी टाइम हो अगर थ्री आर के स्लॉट नहीं बन रहे उन दिनों जिस दिन कोचिंग और स्कूल है कोई फर्क नहीं पड़ता वो ज़रूरी नहीं होता मैं भी नहीं करता था जिस दिन कोचिंग और स्कूल होता था मैं तो रेगुलर स्टूडेंट था स्कूल और कोचिंग का भी तो ऐसे भी दिन होते थे कि सुबह स्कूल जाओ फिर कोचिंग जाओ और घर आके हार्डली मेरे पास कुछ एक घंटा होता था डेढ़ घंटा होता था Uh, यहाँ पे एक चीज मैं आपको नोट करवाना चाहूंगा कि सात uh, साढ़े छः से सात घंटे की नींद में ये पीक टाइम टेबल था पीक टाइम्स पे जब इलेवेंथ चल रही थी ट्वेल्थ चल रही थी जब हाई प्रेशर था सिलेबस कंप्लीशन का ये उस टाइम का टाइम टेबल है तो वहां भी मैं आराम से सात घंटे की नींद मिनिमम इंश्योर करता था और मेरे हिसाब से स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग योर जेई प्रेपरेशन क्योंकि अगर आप ज्यादा नहीं सोते हो तो फिर Uh, दिमाग नहीं चलता बंद हो जाता है दिमाग चलना क्वेश्चंस पे और धीरे 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 मतलब आपका ब्रेन रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा और उससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग अबिलिटी पे तो ऐसा ना करें स्लीप जरूर सेवन टू सेवन एंड हाफ आवर्स लीजिए इस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है आप अपने तरीके से रखिए अगर आप ऐसे बंदे हैं जो रात में एफिशिएंटली पढ़ सकते हैं सुबह आपसे नहीं इतने अच्छे से पढ़ा जाता तो वो सारे सुबह के आवर्स आप शिफ्ट कर लीजिए रात में और उस तरीके से प्रेपरेशन करें आपका मेन मकसद यही है आपका मेन मोटिव यही है कि आप कोई भी टाइम वेस्ट ना करें जब भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें वरना नहीं पढ़ें उठ जाए ब्रेक ले लें क्योंकि अगर आप बैठ के अपना टाइम वाइल अवे करेंगे किसी को आप किसी के लिए पढ़ रहे हैं अगर आप अपने टीचर्स को दिखाना चाहते हैं पेरेंट्स को दिखाना चाहते हैं कि हां मैं पढ़ रहा हूँ तो so उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला लॉन्ग टर्म में आप इसे रिग्रेट करोगे तो इसीलिए टाइम टेबल बनाइए अच्छे से अपना टाइम डिवाइड कीजिए हर सब्जेक्ट को इक्वली रिस्पेक्ट दीजिए किसी भी सब्जेक्ट को ना छोड़ें अपने टाइम टेबल में और जिस टाइम टेबल को बनाया है उसे जरूर जरूर फॉलो करें सो दैट इज ऑल अबाउट माई टाइम टेबल आपको अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं अगली वीडियो आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मोस्ट लाइकली ये कल ही आ जाएगी कल या परसों आ जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स कैसे बनाने हैं और मैं आपको अपने नोट्स भी दिखाऊंगा इससे आपको पता चलेगा कि बेस्ट तरीका क्या होगा आपके नोट्स बनाने का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और सिमिलरली बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी सो स्टे टूट फॉर दैट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्रेस द बेल आइकन होप यू हैव अ ग्रेट डे गाइज बाय ऑल द बेस्ट